साहस सरोकार। नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। यूपी में नगर निगम का चुनाव नजदीक है। प्रत्याशी गली मोहल्लों में जाकर अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम ताज नगरी आगरा के वार्ड नंबर 100 में पहुंची और इस वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव नज़दीक है। सभी प्रत्याशी गली मोहल्ले में जाकर अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं। आज प्राइम टीवी की टीम वार्ड नंबर 100 में पहुंची है। यहां की जनता हमारे साथ है हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। आइए जनता से बात कर लेते हैं। 5 साल का क्या कार्यकाल रहा, कितना पार्षद ने विकास किया और सरकार की जो योजनाएँ हैं वो जनता तक पार्षद ने पहुँचाई या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नील कटरा ये क्षेत्र कहलाता है, वार्ड नंबर 100 है। आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अल्तमिश बेग नाम है। मतलब 5 साल कार्यकाल हो गया पार्षद को, कितना विकास किया है? नहीं साहब, जो है कोई विकास नहीं हुआ। आए दिन टोरेंट की कंपनी आती है, पूरी पूरी सड़कें खोद देती है और फिर उसको बेकार ऐसा उल्टा सीधा भर देती है और फिर हाल खराब हो जाती है। कोई विकास नहीं हुए और ना कोई सफाई होती है, कुछ नहीं होता। सफाई वफाई का कैसा रहता है क्षेत्रीय पार्षद के पास आप गए? पार्षद कितने बार यहाँ का दौरा किया उन्होंने? नहीं, वो पार्षद साहब जो है यहाँ पर आए नहीं, हमने तो कभी। पार्षद का मनीष धाकल नाम है। कौन सी पार्टी से है? वो है आपकी कांग्रेस से। देखा आपने, ये क्षेत्रीय लोग हैं हमारे साथ। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन अंसारी। अहमद भाई, कितना विकास हुआ है पांच साल? विकास तो मेरे उसमें यहाँ अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। जो हुआ था वो टोरंटो उखाड़ के फेंक दिया सारा। चूहे इतने मर हो गए, घरों में पानी भर रहा है, नालियों फुल चलती है नालियाँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर टोरंट की ज्यादा आ रही है। तो ज्यादा है, खोद के चले जाते हैं, वो तो मुड़ के ही देखते हैं, बड़े बूढ़े कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं, उन्हें अपने पैसे कमाई से मतलब है बस। नालियाँ भरी भी चल रही है, हमारे यहाँ कोई पार्षद आता कि देखता ही नहीं कोई भी। जितने पार्षद हुए किसी ने महल्ले को देखा ही नहीं। सुपरवाइजर आते हैं वो अपने मच्छियाँ पकड़ी नाली में कांटे से लेके चलते, नालियां भरी खाली थैली उड़ा के चल देते। तो नगर निगम चुनाव नजदीक है, क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं कि पार्षद बदले या फिर उसी पार्षद बदले? हमारे यहाँ वो पार्षद आना चाहिए जो काम करे महल्ले का, वो पार्षद चाहिए। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात कर देना। क्या नाम है? अकबर हुसैन अंसारी। अकबर जी, क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या यही पार्षद? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। जिस टाइम से वो यहाँ से चुनाव जीत के गए आज तक मुड़ के नहीं देखा। और वैसे लोगों की बात कह सुनी चुके हैं आप, नालियाँ भरी हुई हैं, गड्ढे हैं सड़कों पे, यानी कब का क्या नाम है, यहाँ के फर्श वगैरह बने हुए हैं और सीवरें भर जाती हैं। बामुश्किल लोग आते हैं, सफाई की इतनी बदबू होती है, बेशुमार बदबू फैलती है, बच्चे औरतें वगैरह बड़े सभी से परेशान है और कचरे के ढेर लगे होते हैं। हाँ, और कचरे के ढेर लगे होते हैं, सफाई कर्मचारी मुड़ के नहीं देखते और ना के नाम इधर आते हैं वो। इतनी सारी समस्याएं हैं, क्या आपने क्षेत्रीय पार्षद को इन समस्याओं से अवगत कराया या क्षेत्रीय पार्षद आपके क्षेत्र में कभी दौरा करने आए? सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी आए ही नहीं। जब से वो चुनाव जीते हैं बस वो उधर ही रहे हैं, इस साइड तो उन्हें मुड़ के ही देखा। कटरा नील है किस जगह, उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम है। क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। देखा आपने, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। हम दूसरे किसी पार्षद को जो उम्मीदवार है उसको जिताएंगे और अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। कुछ और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। जहीर भाई, तमाम लोगों से हमने बात की, लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो 5 साल का पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि पार्षद की अगर कंडीशन जाने तो चिट्ठी विट्ठी तो लिख देते हैं, वो लोग जाते हैं, लेकिन ये है कि कभी वो यहाँ आते नहीं हैं, ये बात हकीकत है। और ना लोग उनको लाना चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ और उनको समस्याएँ दिखाएँ। मैं एक बार तरफ की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों ने चाहा भी नहीं कि लोग उनको पकड़ के लेके आएँ और उनको दिखाएँ काम को।
आधिकारिक तौर पे अगर देखा जाए लोगों का तो कहना ये है कि कई बार पार्षद के पास जाते हैं और उसके बाद पार्षद नहीं आते हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ के लोग नहीं जाते हैं। मैं देखिए मैं दोनों बातें कह रहा हूँ कि लोग जाते नहीं है, सिर्फ काम कराने जाते हैं। तो चिट्ठी लिख दी, बात खत्म हो गई। पार्षद का ये काम नहीं होता कि चिट्ठी लिखना। पार्षद का काम होता है महल्ले में जाकर के देखना कौन सुपरवाइजर काम कर रहा है, नगर निगम की टीम काम कर रही है या टोरेंट की टीम कोई परेशान कर रही है। अब आप ये देखिए कंडीशन ये है कि टोरेंट से इतना परेशान है कि एक तो सरकारी तौर पे कोई आदमी अधिकारी आता नहीं है काम कराने, विकास का, सड़क का, नाली का, खरंजे का। उसके बावजूद वो इतनी तोड़फोड़ करके जाते हैं, अधिकारियों से कई बार शिकायत हुई है, और जब लोग शिकायत करते हैं अधिकारियों से उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जब पब्लिक उसमें ऊधम करती है, शोर शराबा करती है, तो उस पब्लिक के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं टोरेंट के द्वारा। तो ये सड़कों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा खुदाई की और सत्यानाश करने की जिम्मेदारी जो है वो है टोरेंट की, समझे। और रहा सवाल इसका कि पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि पार्षद क्षेत्र के अंदर आते पाँच साल के अंदर और पाँच साल में काम देखते लोगों का, कैसी कैसी गरीब बेवा औरतें हैं, विधवा औरतें हैं, और औरतों के महिलाओं के क्या क्या काम है, उनको क्या क्या ज़रूरत है, गरीबों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सारी नहीं देखी गई हैं। तो अब इसके अंदर तो हम यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अब एक परिवर्तन की लहर होनी चाहिए और परिवर्तन आना चाहिए। देखा आपने, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं तक पहुंचती हैं, जैसे प्रधानमंत्री की योजना, तमाम तरीके की योजनाएं हैं, क्या पार्षद के द्वारा महिलाओं तक पहुंचती हैं? क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा जी, पार्षद ने कितना विकास किया और सरकार की जो योजनाएं हैं आप तक पार्षद द्वारा पहुँची हैं? नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ तो सब ऐसे ही पड़ा रहता है। और गरीबों को तो और परेशान कर रहे हैं यहाँ पर, और लाइट इतनी खराब आती है, बिल भर भर के और हम परेशान हो रहे हैं। तो पार्षद अब क्या चाहती हैं, परिवर्तन हो यहाँ, सही पार्षद मिले हमें, परिवर्तन हो, सही पार्षद मिले तो देगी जनता को, गरीबों को, गरीबों को कुछ सुनवाई होती है गरीबों को। तो क्या कहेंगी दादी बताओ? ये भाई हम बहुत परेशान हैं, हम और क्या मेहनत करते हैं, मेहनत करें, फिर बिलों में मर रहा है, ये खुदाई हो जाती है, कुछ सुनवाई नहीं होती, कुछ गंदगी रहती है, कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ कर्मचारी आते हैं तो पैसा लेके जाते हैं हमसे, तो पैसे दे के कूड़ा उठाते हैं। एक कोई भी कूड़ा होगा वो हम पैसा उसमें दे देते हैं, कूड़े का हर चीज का हम पैसा देते हैं, कोई वो नहीं होता। देखा आपने, साफ तौर से आपको बता दें ये वार्ड नंबर 100 की हालात हैं, और यहाँ पर साफ तौर से पार्षद से नाराज है यहाँ की जनता। अब यहाँ पर परिवर्तन चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी जो नया प्रत्याशी पार्षद बनेगा वो कितना विकास कराता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। आज के लिए नगर संग्रामी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।